नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सीलिंग फैन मेक नॉइस ऑन लो स्पीड। दोस्तों जब हम पंखे की स्पीड रेगुलेटर से कम करते हैं यानी कि डिमर से, तो उसमें आवाज़ क्यों आती है? हमिंग की आवाज़ दोस्तों उसमें आती है, ठीक है, हमिंग। दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है? अगर पंखा 5 पर ही चल रहा है तो हमिंग की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन अगर पंखे को 4 पर या 3 पर, 2 पर, 1 पर या फिर कर दिया तो उसमें आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में यही बताने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों इसके हमिंग की आवाज़ आने के एक नहीं 4 कारण होते हैं, 4-5 कारण मैं आपको बताऊँगा जो कि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप उन्हें सही कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। दोस्तों पहला होता है कैपेसिटर, दूसरा होता है वोल्टेज, तीसरा होता है नट बोल्ट, और दोस्तों चौथा होता है जो अपना वो होता है फैन ब्लेड, फैन पर या फिर ब्लेड बोल दीजिए, और इसकी क्लीनिंग। अब दोस्तों मैं आपको बारी बारी से सब बताता हूँ। दोस्तों जो कैपेसिटर होता है, अगर आपका कैपेसिटर वीक हो गया है तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर कैपेसिटर पंखे में नहीं लगा हुआ है तो पंखा चालू नहीं हो पाएगा। अगर पंखे को चलाने के लिए स्टार्टिंग टार्क देने के लिए कैपेसिटर के यूज़ करते हैं, ठीक है, वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, फिर उसको जब पंखा चालू करने में, उसको स्टार्टिंग टार्क देने में कैपेसिटर का यूज बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब कैपेसिटर ही हमारा वीक होगा तो पंखे में हमिंग की आवाज़ आती है। अगर पंखा आपने 5 की जगह पर 4 कर दिया तो पंखे में आवाज़ आना शुरू हो जाता है, और वो दोस्तों जब तक आप फुल स्पीड पर नहीं करेंगे तब तक इसमें आवाज़ आती रहेगी, बंद नहीं होगा, ठीक है। ये दोस्तों बहुत बड़ा रीज़न होता है कैपेसिटर का। अगर कैपेसिटर आपका वीक है तो आप नया कैपेसिटर चेंज कर दीजिए, लेकिन चेंज करने से पहले आप कैपेसिटर को चेक कर लें, मतलब वो कैसे, मैं इस पर एक वीडियो बना रखा हूँ दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं कि सीरीज लैंप से कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। दोस्तों आप वहाँ पर जाके देख लेंगे, आपको कैपेसिटर पहले चेक कर लेंगे, फिर चेक करने के बाद अगर कैपेसिटर वीक हो गया है तो आप उसे तुरंत ही चेंज कर दें, और जितने का लगा हुआ है आप उतने का ही लगवाएँ, ज़्यादा का ना लगवाएँ स्पीड बढ़ाने चक्कर में, नहीं तो आपका पंखा ख़राब हो सकता है। दूसरा दोस्तों नंबर आता है वोल्टेज का। दोस्तों जैसे कि रेगुलेटर से जब पंखा की स्पीड कम होती है तो उसमें वोल्टेज और करंट दोनों कम होता है, ठीक है। दोस्तों कोई एक चीज़ नहीं कम होता है, जिसमें दोनों कम होता है, वोल्टेज और करंट। अब दोस्तों सपोज मान लीजिए कि जो पंखा जो रेगुलेटर जो लगा होता है वो सीरीज में लगा होता है, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया और ये बीच में रेगुलेटर हो गया, फिर ये हो गया और न्यूट्रल डायरेक्ट हो गया, ये हमारा पंखा हो गया, ठीक है। अब ये हो गया सीरीज में। अब दोस्तों सपोज मान लीजिए यहाँ पे फेस, यहाँ पे न्यूट्रल। अब जब यहाँ पर हमने पंखा की स्पीड कम किया ना तो वोल्टेज कम हो गया। दोस्तों मान लीजिए वोल्टेज हो गया यहाँ पर 220 की बजाय 110 वोल्ट, या फिर सॉरी 200 वोल्ट हो गया, 210 वोल्ट। अब 210 वोल्ट हो गया, अब आपने 3 पर कर दिया तो मान लीजिए 200 वोल्ट हो गया। अब दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि वोल्टेज अगर यहीं से कम आ रहा है, इनपुट से ही कम आ रहा है, यानी कि अगर यहीं से 200 वोल्ट ही आ रहा है तो दोस्तों इसमें वोल्टेज और कम हो गया। अब आपने इसमें वोल्टेज कम किया तो आपका यहाँ पे 180 वोल्टेज हो गया, 190 वोल्टेज रह गया, यहाँ पर पहले से ही वोल्टेज कम आ रहा है और आपने रेगुलेटर से इसकी स्पीड और कम कर दी, तो इस कारण भी पंखे में हमिंग की आवाज़ आने लगती है। तो दोस्तों आप वोल्टेज को चेक कर लीजिए, आप अपने एनर्जी मीटर में जाकर आप उसको, उसमें एक बटन होता है उसको प्रेस करेंगे तो उसमें किलोवाट, केवीएआर, केवीएएच और आपका पावर फैक्टर और आपका यूनिट केडब्ल्यूएच सब कुछ उसमें आपका बारी बारी से आएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है। इसके बाद दोस्तों जो नंबर आता है वो होता है नट बोल्ट, ठीक है। नट बोल्ट दोस्तों क्या होता है कि आपका जो छत होगा यहाँ पर एक ऐसे लगा होगा, हुक होगा, इसमें एक नट बोल्ट यूँ फंसा होता है, उसके बाद एक डंडा होता है उसमें ये पंखा ऐसे फंसा होता है।
दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चेक नहीं करते हैं, लेकिन आप ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर कि अगर ये नट बोल्ट कट गया है, यानी कि मान लीजिए ये नट बोल्ट ऐसे है और ये ऐसे कट गया है, तो दोस्तों ये पंखा पे जब चलता है तो ये जर्क लोड लेता है, ठीक है, एकदम से पंखा स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में भी पंखे में आवाज़ आती है। तो इस चीज़ को आप चेक कर लें और बराबर चेक करते रहें, मतलब कि दो तीन महीने पे चेक करते रहें ऐसे एक महीने पे कि ये बोल्ट कहीं कट तो नहीं गया है। दूसरा दोस्तों इसका भी चेक कर लें और इसका भी चेक कर लें। अब दोस्तों जो चौथा नंबर जो हमारा आता है फैन ब्लेड के दोस्तों केस में क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा कोई फैन का ब्लेड है, ठीक है, ये एक दो तीन और ये ब्लेड हो गया। अब अगर ये ब्लेड हमारा टेढ़ा होगा तो दोस्तों पंखा का जो पर होगा उसका अलाइनमेंट सही नहीं होगा, जिससे पंखा का मतलब बबलिंग करेगा, पंखे में सही से नहीं घूमेगा, मतलब एक स्पीड में नहीं घूमेगा, ये ऐसे 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 घूमेगा अगर इसके ब्लेड टेढ़े हो गए होंगे। तो आप दोस्तों जब भी पंखा साफ़ करें तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि इस पर ज़्यादा जोर न दें, अगर टेढ़ा हो गया है तो उसे आप किसी मैकेनिक से इलेक्ट्रीशियन से उसको सही करवा लें। इस वजह से भी दोस्तों जब पंखा चलता है तो बबलिंग होती है, जिसमें नट बोल्ट अगर इसमें रबड़ नहीं लगा हुआ है तो इसमें आवाज़ आने लगती है, ठीक है, वो खट की आवाज़ आती है, लेकिन वो आवाज़ तब आती है कि जब पंखा ऑन हो रहा है या फिर ऑफ हो रहा है, दो ही कंडीशन में ये आवाज़ आती है, अगर ब्लेड टेढ़ा हो गया है। अगर इसमें दोस्तों रबड़ लगा हुआ है तो आवाज़ कम आएगी, लेकिन अगर रबड़ नहीं लगा हुआ है इसमें तो दोस्तों इसमें आवाज़ आएगी। तो दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी और ये भाई का कमेंट भी आया था, तो दोस्तों मैं सोचता कि इस पर वीडियो बना दूं। आपको जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।